Hello, welcome to the sixth NCRT Polity Video class and today we are starting seventh chapter urban administration. Okay. In the previous classes or in the previous chapters, we have studied about the uh, rural administration. Okay. In that we have studied about the SHO. एंड दी पटवारी दैट हाउ दी लॉ एंड ऑर्डर्स आर मेन्टेन एंड हाउ द लैंड रिकॉर्डस आर मेन्टेन बाई दी पटवारी तो ये तो गाँव की बात थी गाँव जो है बहुत छोटे होते हैं एरिया वाइज लेकिन अगर हम यहीं देखें शहर ओके okay, सिटीज़ की हम बात करें कितनी बड़ी होती हैं पॉपुलेशन ज़्यादा होती है यहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती हैं तो बड़े शहरों में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होता है सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओके तो जो जैसे हम गांवों के अंदर पढ़ रहे थे ग्राम सभा ग्राम पंचायत तो यहीं पर हम पढ़ेंगे म्युनसिपल कॉरपोरेशन म्युनसिपल काउंसिल ओके तो यहाँ पर भी आपको एक स्टोरी के थ्रू ही दिखाया है कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो एक गली में खेल रहे हैं और खेलते खेलते जो है उनकी बॉल जो है स्ट्रीट लाइट जो है उस पर लग जाती है और वो टूट जाती है तो ये बच्चे जो हैं बैठे बैठे ही सोचते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट टूट गई है इसकी जो पेनल्टी होगी यानी कि इसका जो नुकसान है वो हम किसे दें जैसे अगर किसी के घर का शीशा टूट जाता है तो हम कलेक्ट करके अपनी पैसे कलेक्ट करके हम उसके जो घर का ओनर है उसको दे देते हैं लेकिन अभी जो स्ट्रीट लाइट है इसका ओनर कौन है कौन इसकी देखभाल करता है हम किसको ये सब चीज़ें आ, बता सकते हैं कि जो गलियों की जो स्ट्रीट लाइट है या सड़कें हैं या जो गार्बेज की हम बात करें या पार्क्स की हम बात करें ये सब चीज़ें कौन मैनेज करता है तो स्टोरी जो है घूमती घूमती कहाँ पहुँच जाती है रेहाना खाला के पास पहुँच जाती है कि जो बच्चे हैं उनके पड़ोस में एक लेडी रहती हैं जो है रेहाना खाला ठीक है यासमी खाला सॉरी तो जो यासमी खाला हैं वो एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं रिटायर्ड सर्विस पर लेडी हैं जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी अकाउंट्स का काम देखती थी तो ये जो यासमी खाला हैं ये इनको बताती हैं कि किस तरीके से जो शहरी जो इलाके होते हैं वहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है वो कौन करती हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन करती हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ठीक है और वहीं जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर इनको म्युनसिपल काउंसिल कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पर दो वर्ड आए आपके म्युनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनसिपल काउंसिल तो जो भी मेंटेनेंस uh, का काम होगा ये सारा काम किसी भी शहर के लिए जैसे हॉस्पिटल्स बनाने हैं डिस्पेंसरीज बनानी हैं स्कूल्स बनाने हैं है, uh, कोई बीमारी की रोकथाम करनी है या uh, सड़कों को बनाना है ये सारा जो काम है कौन देखता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ठीक है और जो छोटे शहर होंगे वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं म्यूनसिपल काउंसिल कहते हैं तो ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल होती है तो इनमें कामकाज कैसे होता है जैसे हमने गांवों के अंदर पढ़ा था कि हम गांवों को क्या करते हैं वार्ड्स में डिवाइड करते हैं और वहां हर वार्ड से जो है हम मेंबर चुनते हैं जिनको हमने पंच कहा था है ना और वो पंच जो है आप में से क्या चुनते हैं एक सरपंच को चुनते हैं ठीक है तो ये इलेक्टेड पर्सन से साथ में हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या होता है एक सेक्रेटरी होता है जो अपॉइंटेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू तो इन लोगों के थ्रू जो है वो क्या बनता है गांव का एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इसी तरीके से जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मैनेज होता है कैसे होता है देखो जो वर्किंग हम देखें कैसे की जाती है जो सिटी है जो भी शहर है उसको भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेस पर द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड जैसे ये एक कोई शहर है ठीक है इस शहर को क्या करेंगे हम और छोटे छोटे पार्ट्स में पॉपुलेशन के बेस पर हम इसको डिवाइड कर देंगे और हर वार्ड से इसको अब हम क्या कहेंगे वार्ड कहेंगे जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ वार्ड बन गए तो यहाँ पर हर वार्ड से क्या आ जाएंगे नाइन जो है अगर हम देखें वार्ड काउंसलर जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे ठीक है इलेक्शन होगा इनका वार्ड के इलेक्शन होते हैं ना तो वो इलेक्शन होते हैं और इनके थ्रू हम जो है वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट करते हैं ठीक है चलो द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज अब एक वार्ड की अगर हम बात करें सपोज ये एक वार्ड है ये दो वार्ड है ठीक है ये तीन वार्ड है ये चार वार्ड है अब यहाँ पर कौन सा है ए वार्ड काउंसलर है यहाँ पर बी है यहाँ पर सी है और यहाँ पर कोई डी है तो अपने अपने वार्ड में जो भी इनका काम होगा वो कौन करवाएंगे वार्ड काउंसलर ही करवाएंगे ठीक है पर देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी भी शहर के लिए जैसे मान लो शहर में हमें कोई सड़क बनवानी है रोड बनवानी है ठीक है तो वो रोड किन किन एरिया से होकर जाएगी किसी एक वार्ड का तो काम नहीं है ये या सपोज़ कोई स्कूल खुलवाना है तो स्कूल भी किसी एक पर्टिकुलर वार्ड के लिए तो नहीं होगा है ना तो ऐसे इश्यूज़ जो शहर के सभी वार्ड से जुड़े हुए होते हैं उनके लिए सभी जो वार्ड काउंसलर्स हैं ये बैठकर मीटिंग करते हैं और अपने क्या बनाते हैं कमेटीज़ बनाते हैं और इन कमेटीज़ में जो है इन इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है और फिर इनके ऊपर डिसीजन लिया जाता है ठीक है तो इंडिविजुअल वार्ड के लिए अगर कोई भी काम होगा तो वार्ड काउंसिलर जो हैं वो काम करवाएंगे और ऑल टुगेदर अगर हमें कोई काम करवाना है जो किसी शहर के लिए हो एंटायर सिटी के लिए हो तो जो काउंसलर का ग्रुप है वो कमेटीज बनाते हैं अलग अलग कमेटीज बनाने के बाद में क्या करते हैं वो Just a minute. वो क्या करते हैं फिर इन सब पर डिबेट्स करते हैं डिस्कशन होता है चलिए ओके जैसे एग्जांपल यहां पर देखा है देखो इफ बस स्टैंड नीड्स टू बी इंप्रूव्ड और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली और देर इज अ नाला और ड्रेन दैट कर्ट्स टू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एट्सट्रा तो इस तरह के जो काम दिए हैं देखो जैसे बस स्टैंड की मरम्मत करवानी है या कहीं पर मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और उसको साफ़ सुथरा करवाना है वहाँ पर जो है कचरा जो है वो उठाया नहीं जा रहा है या कोई ऐसा नाला है कोई ड्रेन है जो पूरे शहर के बीचों बीच से जा रहा है और उसकी क्लीनिंग नहीं हो पा रही है तो ये तो किसी एक वार्ड का काम नहीं है ना पूरे शहर का काम है ये उस पूरे शहर को इफेक्ट कर रहा है तो इस तरह के कामों के लिए जो हैं, कमेटीज है कमेटीज बनाई जाती हैं इट इज दीज कमेटीज फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग एट्सेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन यानी कि हर काम के लिए अलग अलग कमेटीज बना दी जाती हैं और इन कमेटीज के जो मेंबर हैं वो सब बैठ करके डिस्कशन करते हैं कितना बजट चाहिए कितनी रिक्वायरमेंट है और उन सब के हिसाब से जो है ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं वेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड देन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट देयर काउंसलर भी आप सपोज ए वार्ड में रहते हो ठीक है आपके वार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है सपोज आपके वार्ड की गलियों में जो है पानी की लीकेज है तो आप क्या करेंगे अपना जो वार्ड काउंसलर है उसके पास जाएंगे है ना और वो क्या करेंगे वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश इफ देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी या अगर आपके एरिया में आपके वार्ड में तारें जो हैं बिजली की तारें बहुत ढीली हो रही हैं लटक रही हैं तो आप क्या जाएंगे अपने वार्ड काउंसलर के पास जाएंगे उनको कंप्लेंट करेंगे और ये वार्ड काउंसलर क्या करेंगे जो इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है उनसे बात करेंगे कि भाई हमारे वार्ड में ये सारी समस्या आ रही है आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए ठीक है जैसे वही चीज़ आपको जो मैं बार बार समझाती हूँ कि आपकी क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है ठीक है आप अपनी क्लास की प्रॉब्लम को डायरेक्टली प्रिंसिपल से तो डिस्कस नहीं करेंगे आप क्या करेंगे अपने क्लास टीचर से डिस्कस करेंगे ठीक है अब जो प्रिंसिपल हैं आपके वो क्या करेंगे इन सभी क्लास टीचर्स की क्या करेंगे मीटिंग लेंगे ठीक है तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो अपनी अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं लेकिन अगर कलेक्टिवली कोई काम करना होगा तो ये सब लोग बैठ करके मीटिंग्स करते हैं उनकी कमेटीज बनती हैं जैसे सपोज एनुअल फंक्शन होना है आपके स्कूल में तो सिर्फ आपकी क्लास का तो नहीं होना सभी क्लासेस को इसमें इन्वॉल्व होना है तो क्या होते हैं टीम बनती है ना हर टीचर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय की जाती हैं और जो टीचर्स हैं वो आपकी क्लास में से या एक्टिविटीज़ के इंचार्ज बनाते हैं और फिर उनके थ्रू जो है वो काम किया जाता है सेम चीज़ पर है कि हमने सिटीज को वार्ड में डिवाइड किया वार्ड के हमने वार्ड काउंसलर्स चुने और पर्टिकुलर किसी वार्ड का अगर कोई काम है अटका हुआ है तो वार्ड काउंसलर काम करवाएंगे और अगर एंटायर सिटी का कोई काम है तो जो कमेटीज बनती हैं इन वार्ड काउंसलर्स की वो इन सब पर काम करती है क्लियर इतनी बात आपको आई समझ में चलो अब अगर हम देखें कि जो भी अगर कोई वाइल द काउंसलर कमेटीज एंड द काउंसलर डिसाइड्स ऑन इशू द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज अब जितने भी वार्ड काउंसलर्स हैं उनकी कमेटीज़ जो बनी हुई हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं और यहीं पर जो कमिश्नर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन सा आता है जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ठीक है जैसे हमने ग्राम सभा के अंदर पढ़ा था ना जो सरपंच हैं और पंच हैं वो तो कैसे होते हैं इलेक्टेड होते हैं वहीं जो सेक्रेटरी होता है वो कैसा होता है अपॉइंटेड होता है इसी तरीके से शहरी यानी कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो वार्ड काउंसलर्स हैं वो तो कैसे हैं इलेक्टेड पर्सन यानी कि वोटिंग के थ्रू हम लोग उन्हें चुनते हैं उस पर्टिकुलर वार्ड के जो लोग है, जो हैं जो रेजिडेंट्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं वो इन लोगों को चुनते हैं वोटिंग के थ्रू और जो कमिश्नर हैं या बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है इनको क्या किया जाता है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है काउंसिलर्स आर इलेक्टेड ठीक है इतनी बात आपको आई समझ में चलो सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड आस्क रेहाना अब ये जो स्टोरी चल रही है उसी को साथ साथ में कंटिन्यू किया जा रहा है अब क्या होता है देखो

ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर दूसरे वार्ड में तो कुछ भी काम नहीं हुआ और हमें यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कामकाज करवाना पड़े हो यानी कि एक वार्ड के लिए स्पेशली नहीं होता हर जो वार्ड काउंसलर है अपने अपने वार्ड की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखता है कि वास्तव में यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है और उस काउंसिल के सामने अपने उन जो प्रपोजल्स हैं उनको रखते हैं कि हमें हमारे वार्ड में सड़क बनवानी है या हमें हमारे वार्ड के अंदर स्कूल बनवाना है या गलियाँ पक्की करवानी है तो इस तरह के जो भी प्रपोजल्स होते हैं वो काउंसिल के सामने रखे जाते हैं जन्स आर देन इंप्लीमेंटेड बाई दी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यानी कि जो कमिश्नर है और जो वर्कर्स हैं साथ में उनके द्वारा जो है इन सब चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है ठीक है तो इस तरीके से इनकी वर्किंग होती है तो आपने देखा जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल की जो हम बात कर रहे हैं इसमें कौन होते हैं वार्ड काउंसिलर्स होते हैं कमिश्नर होते हैं और अथॉरिटीज़ होती हैं तो जो म्यूनसिपल काउंसिलर हैं उनको जो वार्ड वार्ड काउंसिलर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और जो कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं क्लियर आई होप एवरी इज क्लियर टू अप टू हेयर चलो अब हम बात करते हैं कि जो बजट हम बात कर रहे हैं कि म्युनसिपल कॉरपोरेशन को अपना पैसा कहाँ से मिलता है तो चलिए ये भी देख लेते हैं प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज अ लॉट ऑफ मनी भी इतना सारा कामकाज जब करवाना है तो पैसे की तो जरूरत पड़ेगी द म्युनिस्पल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अब देखो हम अलग अलग चीज़ों का टैक्स देते हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो हमने कोई गाड़ी खरीदी हो जो भी सर्विसेज हम लेते हैं उन सब में चाहे पानी का बिल है बिजली का बिल है इन सब के अंदर कुछ परसेंट जो है वो टैक्स जो है जुड़ करके आता है यानी कि हमारे बिल के अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है और जो हम पे करते हैं उसमें से 25 से 30 परसेंट जो है वो मनी म्यूंसिपल कॉरपोरेशन को पहुंच जाता है यानी कि जो भी टैक्स होते हैं पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेज फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज द लार्जर द हाउसेज द मोर द टैक्स यानी कि जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी उतना ही ज़्यादा टैक्स होगा और ये जो टैक्स है इसमें से पच्चीस से तीस जो है वो म्यूंसिपल कॉरपोरेशन के पास चला जाता है क्लियर तो और भी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं हमारी जैसे एजुकेशन है हेल्थ फैसिलिटीज हैं इन सबकी के ऊपर जो भी सर्विसेज हम मिलती हैं उन सबके ऊपर टैक्स लगता है जैसे अगर हमारा कोई होटल है या कोई दुकान है तो हमें उसके लिए टैक्स देना होगा ओके okay, तो ये सब चीज़ें जो है हम टैक्स के तौर पर पे करते हैं और इसी टैक्स के थ्रू जो है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी इनकम होती है उनका अर्न हम कहें उनको जो पैसा मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है बाकी जो है जो सरकार है इनको बजट देती है पर्टिकुलर कि आपको इस काम के लिए इतना बजट जो है आपके लिए तय किया गया है ठीक है so, सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो यहाँ का वीडियो आज हम इतना ही रोकेंगे आज का वीडियो हम यहीं पर पोज करेंगे Everything is, uh, I think, clear to you. If anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. Stay connected, keep watching. Thank you.